अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं कि हमारे मुहावरों के अंदर ये मौजूद है कि जी दो वक्त की रोटी अब मुश्किल बन गई है। इस दो वक्त की रोटी को मुश्किल क्यों बनाया जा रहा है और आखिर क्या वजह है कि ये सूरत हाल मज़ीद बेकार जो ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। आज एक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है कि जी जो पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उनकी जानिब से एक बार फिर खबरदार कर दिया गया है कि जी आटा जो है वो मजीद महंगा होगा। इसकी वजह बताई जा रही है कि जी जो टैक्स लगे ना वो है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये सूरत हाल कहाँ पर जाके रुकेगी। गरीब के पास एक रोटी है जो वो खा के अपनी पेट की भूख बुझा लेता है, अब सूरत हाल क्या बनेगी इसके ऊपर आज हम खुल के थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ सूबाई सदर हैं ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन, जिन्होंने इजलास भी तलब कर रखा है, आमिर चौधरी साहब, जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन कर लिया है। आमिर साहब, आज बयान आपका सामने गर्दिश करता रहा, पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे मसला है क्या जो आप कह रहे हैं कि अब ये खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। देखिए, सिलसिला ये है कि फ्लावर मिल इंडस्ट्री के ऊपर कभी भी हिस्ट्री में आप देखने को ऐसे टैक्सेस नहीं लगाए गए ताकि अवाम के ऊपर का बर्डन ना पड़े और आटा जो है मुनासिब नर्खों पे अवाम को मिलता रहे। ठीक है, इस साल इस फाइनेंस बिल में अनफॉर्चुनेटली इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया गया और हमें विद होल्डिंग टैक्स के नरगे में लेने की कोशिश की जा रही है और इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 1 जुलाई से। अभी हम इस पे स्टेप ले रहे हैं कि हमने अगला अलामल क्या करना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझना भी चाहूंगा, नाजरीन भी कोशिश नाजरीन को भी हमें समझाना है कि आखिर मामला क्या है कि कहां पर टैक्सेशन लग रही है, किस किस पॉइंट पर आप अब टैक्स देंगे और आप बता रहे हैं कि कितना महंगा हो जाएगा फी किलो आटा, उसके हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप बात करें। देखें, ये 5 से लेके 8.5-9 रुपए किलो तक मुख्तलिफ स्टेज में आटा महंगा हो जाएगा। इसमें हमारे ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं, हमें कहा गया है कि आप रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से और होलसेलर से आप टैक्स डिडक्ट कीजिए। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी और हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारे इसके रिटेलर वगैरह हैं सब नॉन फाइलर हैं, पूरा तबका जो भी है और जिस तरह काम होता है हमारी मार्केट में आप जानते हैं उसको क्लियरली। अब हम किससे आईडी कार्ड मांगेंगे, किससे हम एंटीएन लेंगे और किस तरह से हम टैक्स काटेंगे? नहीं तो टैक्स आप कैसे काट सकते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी कैसे होगी, मतलब हमें थोड़ा समझाए ना, क्योंकि ये अजीब सी मजायका की एक बात लग रही है कि जनाब आप काट के दें हमें। देखें, एक मैं अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को माल सेल करता हूँ, होलसेलर को माल सेल करता हूँ, तो 0.10% मुझे उसका टैक्स डिडक्ट करना है। सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो फाइलर नहीं है। ठीक है, अगर वो फाइलर नहीं है तो 2% टैक्स मुझे उसका डिडक्ट करना है। उसके बाद क्या होगा कि मैं 2% टैक्स डिडक्ट कर लूंगा तो वो मेरा 5.5% टैक्स डिडक्ट करेंगे। ये गोरख धंधा है, ये इतनी इजीली किसी की समझ में नहीं आएगा, हमें खुद इसको समझने में बहुत मुश्किल पेश आ रही है। ये एक टैक्स मैन का काम है जो टैक्स का काम करते हैं। असल में हुआ ये है कि FPR को कहा गया था कि आप रिटेलर्स के ऊपर और जो आपके शॉपकीपर हैं उनके ऊपर टैक्सेशन करें और मैं समझता हूँ कि वो इस काम में कामयाब नहीं हुए तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी गई, ये बर्डन हमारे ऊपर डाल दिया। अब चौधरी आमिर साहब, आप इस पूरे मामले को मुस्तरद करते हैं, इस टैक्स के निजाम जो लागू कर दिया गया है, आप कह रहे हैं जी अब तो ये 1 जुलाई से हमारे ऊपर लागू कर दिया, मुस्तरद करते हैं मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल, हम इसको मुस्तरद करते हैं और कल लाहौर में ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की मीटिंग है, पूरे पाकिस्तान से फ्लावर मिलर्स लाहौर पहुंचेंगे कल 1 बजे हमारी मीटिंग है, वहाँ पे हम अगले लेवल का ऐलान करेंगे कि हम किस स्टेज पे अब क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे बस से बाहर है। हम अपने दफ्तरों को कोई टैक्स ऑफिस नहीं बना सकते, ना ही हमारे पास ऐसे वसाइल है, ना ही हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज है और इस तरह का काम पॉसिबल नहीं है, ना आज तक हुआ है ना आगे होगा। अच्छा आमिर चौधरी आमिर साहब, हम ये भी चाहेंगे, ये भी बताएंगे इस पे आवाम का कितना असर पड़ेगा, एक रोटी जो वैसे तंदूर में मिल जाती है उसमें भी यकीनी तौर पर कीमतें अब बढ़ेंगी और एक पूरा सिस्टम जो है, एक आम आदमी को कम से कम रोटी चाहिए होती है, वो कहता है जी रुकी सुकी, हमने तो यहाँ तक भी कुछ लोगों को देखा है कि जी प्याज तोड़ के खा लेते हैं कम से कम पेट की भूख बुझा ले। जी बिल्कुल, ये बात है, अब रुकी सुकी रोटी भी आवाम से छीनी जा रही है, इसमें महंगाई तो ऑब्वियसली आएगी, जो भी हमारे पर बर्डन डालेगा एंड ऑफ द डे जाना तो आवाम के ऊपर है ना।
बिल्कुल ऐसा ही इसलिए है, आप बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम हमारी कोशिश ये होती है कि ताजरों की हम आवाज़ बने इस प्रोग्राम के जरिए, जो उनके मसाइल हैं हम कोशिश भी कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ फोरम्स के लोग हमारे साथ इसी प्रोग्राम में बैठ के अपील करते दिखाई देते हैं। अब सूरत हाल आप मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं, अगर इस टैक्सेस को लागू कर दिया गया है और वो इसी तरह बरकरार रहते हैं, तो फिर आगे की सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? देखे एक आप बात देखे, खुदा खुदा करके 3 साल के बाद आटे का रेट 80 से 85 रुपए किलो के दरमियान आया है, ये आपके इलम में होगी बात। बिल्कुल, पिछले 3 साल से लोग 150 और पौने 200 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं। इस साल हमने गंदम इंपोर्ट की, आटे का रेट डाउन हो गया। पता नहीं कौन लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं हो रही है, वो अवाम के निवाले के दर पे हैं कि आटा महंगा हो जाए किसी तरह से, लेकिन हम इसका हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेंगे, इसको कंडेम करते हैं हम और इसका हिस्सा हम बनने नहीं जा रहे। अच्छा, एक सवाल और भी है कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, टैक्सेस जो है उसके ऊपर लागू और बढ़ाने की बात होती है, तो क्या आपको स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया, किसी एसोसिएशन से राबते और बातचीत की गई टैक्स लगाने से पहले? बिल्कुल, कारोबारी बरादरी को एतमाद में नहीं लिया गया। एक ही लफ्ज हमने सुना है कि जी ये जो बजट है IMF का पास करदा बजट है, तो इसलिए आपको इस पर इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं, हमें खुद मुख्तार रियासत हैं, हमारे यहाँ ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं हमारे वजीर आजम साहब के मुँह से भी, और ये किसी से मशवरा नहीं किया गया, ओनली इम्प्लीमेंटेशन की गई है, इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर आया है जिसको मुस्तरद करते हैं। अब चौधरी साहब फिर क्या अपील करना चाहेंगे और साथ में अब इस सिचुएशन को क्या देख रहे हैं, किस तरह इसको टैकल करेंगे, फिर आप लोग भी सड़कों पर आएंगे क्या? देखें, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, तो इसके बगैर कोई हल नहीं है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए, और उम्मीद है मुझे अरबाब इख्तियार समझेंगे कि रोटी एक आम जरूरत है आदमी की, किसी की भी दवाइयाँ या दूसरी चीज़ें उस बात की बात है, रोटी खाएगा तो जिंदा रहेगा, उसी को अगर छीनने जा रहे हैं वो तो बहुत गलत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो ख्याल कर लेंगे, ताकि हम किसी इंतहाई कदम पे जाए उससे पहले उम्मीद है कि वो ख्याल करेंगे, वरना हम तो ओपन है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि वे आउट अब इसका क्या निकलेगा, क्योंकि अब सरकार ने लगा दी है टैक्स और अब वो देने भी पड़ेंगे, अब इसका मैकेनिज्म किस तरह बनेगा? मतलब एक मिसाल है, फॉर एग्जांपल आपको जी इजाज़त, अब कोई चारा नहीं है, करना ही करना है, तो फिर उसको किस तरह हैंडल करेंगे आप लोग? सर, हम इसको बिल्कुल करने के सिस्टम में नहीं है, मैं अगला स्टेप पे अगले स्टेप पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, हम इसको मुस्तरद करते हैं, फाइनल बात मेरी है। और असर अंदाज एक रिटेलर कैसे हो रहा होगा, थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी जाएंगे कि बिजनेस मैकेनिज्म किस तरह डिस्टर्ब हो रहा होगा, पहले क्या किया जाता था और अब क्या होगा, थोड़ा सा इसके ऊपर भी कि पेचीदगियां कहां पर आ रही हैं, रुकावटें कहां पर बन रही हैं? देखिए, रुकावटें या जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो तो आगे पता लगेगा ना क्या होता है, अभी तो हम इम्प्लीमेंट करने नहीं जा रहे हैं इसको, हम तो इसको कंडेम कर रहे हैं, ये बातें बात की है सारी। अच्छा, एक और भी बात है कि यकीनी तौर पे एक कनेक्टिविटी होती है तमाम फ्लोर मिल्स मालकान की आपस में, अब वहाँ पर ऐसी क्या सहूलियात देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में क्या होता है हम ये भी जानना चाहेंगे आपके, कि इस तरह के सेक्टर जो कि बुनियादी ज़रूरत होती है वहाँ पर, तो हमने सुना है कि जनाब वहाँ पर तो एक्स्ट्रा सहूलत दी जाती है सरकार की जानिब से, ताकि आवाम तक जो है वो बेहतरीन तरीके से, क्वालिटी वाइज भी और दीगर तरीके से भी जो है वो चीज़ पहुंच सके, मगर आपका क्या तजुर्बा है, हम थोड़ा सा इस हवाले से भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि दुनिया भर के बिजनेस मॉडल्स को आप लोग भी देखते हैं, वहाँ क्या होता है और आपके साथ क्या रवैया रखवा रखा जा रहा है? देखें, हुकूमतें मुल्कों में टैक्स लेती हैं आवाम से, आवाम की सहूलत के लिए लेती हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाता है, उनकी सब्सिडीज पे, उनके रोज़मर्रा खुराक पे, उनकी सेहत पे, ठीक है, हमसे सिर्फ पैसे लिए जा रहे हैं और कोई सहूलत नहीं दी जा रही, ना सिक्योरिटी है हमारे पास, ना सेहत है, ना तालीम का कोई बजट है, सब कुछ देते जा रहे हैं हम, देते जा रहे हैं इनको, कहाँ खर्च हो रहा है कुछ पता नहीं है, और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट का हमारे साथ, किसी भी महकमे के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ, बगैर कोऑर्डिनेशन की गवर्नमेंट चलती जा रही है बेलगाम घोड़े की तरह। इसका
थोड़ा सा हम ये भी चाहेंगे चौधरी साहब कि आप हमें ये बताएं कि अब इसका आप एक आपको मंजर क्या दिख रहा है मुस्तकबिल में, बीइंग अ बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि हमारी जिन ताजरों से बात हो रही है वो तो बिल्कुल भयानक मंजर दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये रह गया है कि हम अपनी दुकानें बंद करें, और बहुत ही तकलीफ में ये बात निकलती है कि जनाब हम किसी तरफ हिजरत कर जाएं। देखें, पोजीशन बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने प्री बजट जो ऑर्डर थे वो सिर्फ उनको फुलफिल कर रही है, उसके बाद उनके प्रोग्राम ऐसे बने हुए हैं कि वो शट डाउन कर दें। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सोच में पड़ गई हैं कि नेक्स्ट टाइम क्या किया जाए। तो मुल्की हालात बहुत खराब हैं, गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए, अपने जोरे बाजू पे कुछ काम कर गुजरे, वरना मुल्की हालात बहुत खराब नजर आएंगे आपको। अच्छा, सरकार एक बात ये भी कहती है चौधरी आमिर साहब के, जनाब हम जाहिर सी बात है रियासत कैसे चलाएंगे फिर अगर हम टैक्स ना लें। सर, अपने एक्सपेंसेस कम करने को या हमारे मुल्क में कोई तैयार नहीं, अपने अयाशियां उनकी वैसे ही चल रही हैं, अपने बजट उनके वैसे ही चल रहे हैं। अवाम के ऊपर सिर्फ बोझ नहीं पड़ सकता और ये मुल्क अब इस चीज का मुतमिल नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कम से कम सरकारी और बड़े आम अफसरान ब्यूरोक्रेसी वो अपने जो खाते हैं उनको भी देखें, उसमें भी कहीं ना कहीं एतमाद जब ही बाल होगा बिजनेस कम्युनिटी का कि जनाब हम अगर आप पर बोझ डाल रहे हैं तो हम अपना भी उठा के रख रहे हैं साइड में। बिल्कुल, इसको उनको शो करना चाहिए कि उनको सादगी अपनाई या नहीं अपनाई या क्या किया, हर चीज की उनके सारे मामला वैसे ही चल रहे हैं। तो आवाम सड़कों पे होंगे टाइम पर और खुद जाके अपना जो है वो मामला कहाँ जा रहे हैं मैं नहीं समझता हूँ। चौधरी आमिर साहब, आप आखिरी कमेंट कर दें। मुझे मेरे प्रोग्राम में सेगमेंट का हिस्सा जो है वो यकीनी तौर पे एक महदूद वक्त होता है कि अब कल बैठक के बाद एक अंदाजन कि हम एक्सक्लूसिव बात कर रहे हैं आपसे, हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं उन तक भी चीज़ें एक्सक्लूसिव जाएं। क्या फैसला निकल सकता है कल की मीटिंग में, क्या किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बहस होगी और क्या नतज फिर अब आप मुस्तकबिल में देख रहे हैं? देखें, ये हमारी हाई कमान फैसला करेगी कल लाहौर में। एक्सपेक्टेड है कि कल शाम 4-5 बजे तक हम आपको आगाह कर देंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन का टाइम दिया जाए गवर्नमेंट को और उसके बाद कल अमल जो इख्तियार करें हम आपको बताएंगे, इंशाल्लाह कल बता सकता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया चौधरी आमिर साहब, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सूबाई सदर थे, वो हमसे बात कर रहे थे। नाजरीन, कोशिश की कि क्या मसाइल है, बताया गया कि जी आटा महंगा हो जाएगा, और वही वाली बात कि जनाब अब आटा अगर हम पे टैक्स लगाएंगे तो हम किससे लेंगे? हम आवाम से लेंगे, सारिफ से लेंगे, जो यूज़र है उससे लेंगे यकीनी तौर पर, फिर एक आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये बोझ कितना डलेगा ये एक आम आदमी को समझ नहीं आ रहा। वो पहले बिजली के बिलों के ऊपर चीखो पुकार कर रहा है, वो इल्तिजाए कर रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। कब ये सुनेंगे एक आम आदमी की? यकीनी तौर पे एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर शहरी के जहनों में। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर एक आम स्टोरी है उस पर बात करेंगे।